हमीरपुर शहर से हजारों टन कूड़े को नगर परिषद के कूड़ा सेंटर बुजुरी में इस्तेमाल किए जाने की बजाय खुले में जलाया जा रहा है, जिसके कारण बुजुरी के आसपास के गांवों के लोगों का जीवन नरक बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से कूड़ा सेंटर के बाहर खुले में कूड़े को जलाया जाने से पूरा वातावरण दूषित हो रहा है और जहरीली धुएं से लोगों को सांस लेने की भी दिक्कतें बनी हुई है। हमीरपुर शहर से हजारों टन कूड़े को नगर परिषद के कूड़ा संयंत्र बुजुरी में इस्तेमाल किए जाने की बजाय खुले में जलाया जा रहा है, जिसके कारण बुजुरी के आसपास के गांवों के लोगों का जीवन नरक बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से कूड़ा संयंत्र के बाहर खुले में कूड़े को जलाया जाने से पूरा वातावरण दूषित हो रहा है और जहरीले धुएं से लोगों को सांस लेने की दिक्कत बनी हुई है। वही कूड़े को डांग से गिराने से सीधा हथली खड में गिर रहा है, जिससे पानी के दूषित होने का खतरा बना हुआ है। जिला प्रशासन से शिकायत करने के बावजूद भी समस्या हल नहीं होने से अब पीएम मोदी के साथ साथ एनजीटी को भी शिकायत लिखने के लिए ग्रामीणों ने मन बनाया है। नगर परिषद हमीरपुर के 11 वार्डों के लिए बुजुरी में लाखों की लागत से तैयार कूड़ा संयंत्र लोगों की मुश्किलें बढ़ा रहा है। हालांकि करीब 1 दशक पहले कूड़ा संयंत्र बनाया गया है, लेकिन कूड़ा संयंत्र में आज दिन तक सही मायने में काम करना शुरू नहीं किया है। कूड़ा संयंत्र में कूड़े से खाद बनाने की योजना आज दिन तक सिरे नहीं चढ़ पाई है, क्योंकि कूड़े से खाद बनाने के लिए मशीनरी अभी स्थापित की जा रही है। बुजुरी पंचायत के दुगनेड़ी गांव के बाशिंदों की माने तो कूड़ा संयंत्र के बढ़ने के बाद लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं और कई सालों से घास की समस्या बनी हुई है तथा वातावरण दूषित हुआ है। लोगों का कहना है कि कई बार कूड़ा संयंत्र के बाहर कूड़े को आग लगाने से लोगों को सांस लेने की दिक्कत हो जाती है। 13-14 साल हो गए, पर हम ज्यादा ही हुई है। तो क्या क्या समस्या आती है इसकी वजह से? इससे क्या आते, मक्खियाँ कौ सारे माला पर बैठा दे, पानी से खराब करा दे, फिर बीमारी यहाँ जो पूरी माखियाँ हैं, जो धुआं हैं, जो आए तो बड़े परे परेशान रहती थे। समस्या ये जितना गंदा वो पानी में जाता उसमें जो वो सप्लाई मारे को उधर से वो सारा गंद मारे पीने माल को मानु को वो पी रहे हैं तो हमारे को बीमारी लग रही है। इससे सारा दूंजा वो सारे गांव में फैलता है, 4-5 गांव में वो मक्खियां बंदर काव हमारी फसल सारे नष्ट कर दी। हमारे को किसी चीज का लाभ नहीं है यहाँ पर रह कर। ये मारा मार दिया वो सारा एक पंख घास गंदा घास का रहे हमारा माल, ये समस्या है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार डीसी से लेकर विधायक को भी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ है। ग्रामीण महिला ने बताया कि अब ग्रामीणों के द्वारा पीएम मोदी, सीएम जयराम ठाकुर के अलावा एनजीटी को शिकायत करेंगे ताकि समस्या का स्थायी हल हो सके। महिलाओं ने बताया कि आज दिन तक कूड़ा संयंत्र में कोई खाद नहीं बनाई जा रही है, केवल कूड़े को फेंकने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कूड़े संयंत्र की वजह से कई भैंसें भी मर गई हैं और गंदगी भरे माहौल में जीवन जीना पड़ रहा है। हमारे पशुओं को सबसे ज्यादा तो हमारे पशुओं को और इंसान को, पशुओं को चारा यहाँ से हमारे घास जो है हमको यहीं जंगल से ले जाते हैं। हम तो घास जो है हमें यहाँ से काटना मुश्किल है। और दूसरा कौवे और ये पंख वगैरह लिफाफे वगैरह उठा के वहाँ फेंक रहे हैं और उससे जो हमारा पशु बीमार हो रहे हैं और उनको फिर नुकसान हो रहा है। 10-12 भैंसें हमारी खत्म हो गई हैं इसी वजह से। और हमारे यहाँ मक्खियाँ मच्छर से इंसान काफी हद तक बीमार हो हैं और कुत्तों की वजह से हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कुत्ते 8-10 कुत्ते बच्चों को घेर ले रहे हैं तो हम उनको भी स्कूल में जाने में दिक्कत हो रही है। वाटर सप्लाई का यहाँ पे वो भी हमारे यहाँ वाटर सप्लाई की सप्लाई जाती है तो वो पानी भी यहाँ से नीचे जा रहा है खड्ड में सारा गंदा कूड़ा। तो उसकी वजह से हमारे को 10-12 सप्लाई है यहाँ से नीचे तो वो सारा पानी गंदा हो रहा है। उसकी वजह से सभी पंचायतों में जो है इसकी मां में बीमारी फैलने का खतरा है और सभी इसमें ये है। ग्रामीणों ने बताया कि कूड़ा संयंत्र के बाहर पिछले 3 दिनों से आग लगाकर कूड़े को जलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कूड़े को हथली खड्ड के पानी में फेंका जा रहा है, जिसमें मसियाना IPH स्कीम भी प्रभावित हो रही है। हाँ जी सर, सबसे बड़ी समस्या है
कि ये जो अब आग लगना शुरू हो गई है, धुआं आना उठना शुरू हो गया है यहाँ पे। दूसरी बात ये है कि ये जो है मेन जो है हमारी जो है आईपीएच की स्कीम्स है, इस जगह से लेके नीचे जहाँ पे दरिया तक नदौन में ये खड मिलती है जाके, तो वहाँ तक ज़्यादा नहीं होगी तो 500 जो है आईपीएच की स्कीम्स हैं यहाँ पे। तो मेरे को तो लगता है कि ये सारा गंदा ही पानी पी रहे हैं। दूसरी बात है कि इन लोगों ने ये बोलते हैं कि हम आपके जो आपकी स्कीम्स हैं उसमें उनको बेमतलब प्रॉपर पानी मिल रहा है, लेकिन मेरे को तो नहीं लगता कि प्रॉपर पानी, क्लोरीन का भी अगर ये क्लोरीन से उसको प्योरीफाई करते हैं या कुछ और करते हैं तो ये क्लोरीन जो है वो कितने टाइम तक एक्टिवेट रहती है? आखिरकार फिर भी गंदा पानी वो गंदा ही है, जो जर्म्स हैं वो पूरी तरह मरते तो नहीं हैं, दोबारा वो अपना वो हो जाते हैं। तो ये चक्कर है कि हमें इससे निजात मिले,